इसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं और उसके साथ में जो हमारी और मेरी तरफ से जो टीम है उस दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ और जो कोचेज और पूरा जो स्टाफ जा रहा है उनको मैं यही कहूंगा कि टीम का ध्यान रखें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें पूरी टीम। जिले में आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग यूटी लद्दाख का कोच मोहम्मद अब्बास इंडियन विंग से बोल रहा हूँ। तो अभी आज अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री रविंदर कुमार जी ने हमारे लद्दाख के आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टीम का फ्लैग ऑफ सेरेमनी किया, जो कि खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में भाग लेने जा रहे हैं गुलमर्ग में। तो हमें बहुत उन्होंने इनकरेज करा और हमें शुभकामनाएं दी कि वहाँ से जीत के और लद्दाख को मेडल लेके लद्दाख का नाम रोशन करें। जी हमने काफ़ी जब से यहाँ पे बर्फ़ जमा है लद्दाख में दिसंबर में, तो तब से आइस पे हम ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। उसके अलावा हम समर में भी बच्चों को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप यहाँ के हमारे जो ट्रैक एंड फील्ड ग्राउंड है वहाँ करते थे। तो उसके बाद हम नेशनल खेल के आए, वहाँ पे हमने इस बार 2 सिल्वर मेडल भी जीता। तो इस बार भी हम गुलमर्ग में उम्मीद करते हैं कि हम मेडल लेके आएंगे और तैयारी जो है पूरी जोर से हमने करी है और उम्मीद है कुछ करके ही लेके आएंगे। जी अभी रविंदर सर ने जो भी हमें यहाँ से जैसे जाने का आने का तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने के बाद हमारा रीएम्बर्स करेंगे और जो यहाँ पे अगर बच्चों के लिए और भी कुछ इक्विपमेंट है या ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है या डाइट है या जो भी हमारा जो यूनिफॉर्म्स है उनके लिए भी उन्होंने कहा पूरा सहयोग देंगे और उनको पूरा करेंगे।